अस्सलाम वालेकुम। महंगाई का गिरा एक और बॉम्ब यानी दूध की कीमतों में हुआ इजाफा, लेकिन तमाम कीमतों का बोझ गिरेगा सिर्फ और सिर्फ आवाम पर। आवाम वैसे ही महंगाई और बेरोजगारी से और दीगर परेशानियों से दो चार है। आवाम क्या सोचती है इस बारे में, डेयरी फार्मर का क्या कहना है और इंतजामिया क्या कहती है इस बारे में, आज के प्रोग्राम में सब यही जानेंगे। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। आवाम से बात करने हम जा ही रहे थे कि हमें खबर मिली कि भैंस कॉलोनी की तरफ पुलिस दूध की तरसील करने वाली गाड़ियों को रोक रही है, तो माजरा जानने के लिए हम भी वहीं पहुंच गए। सुजुकियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे, गाड़ी की जो दूध की तरसील हो रही है उनको रोका जा रहा है, पुलिस वाले हैं उन्होंने रोका हुआ है। तो हम भी यहाँ रोडों पर इसलिए घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, आवाम से पूछ रहे हैं परेशानी, कि दूध वालों से पूछ रहे हैं कि क्यों रोक रहे हैं उन्हें, क्या वजूहत हैं। क्या है भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर ये क्यों रोक रहे हैं पुलिस वाले गाड़ियाँ? पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम डेयरी फार्मर हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। हमारे रात 4 बजे भी हमें परेशान किया गया, अभी भी हमारी गाड़ियाँ नहीं छोड़ी जा रही, दूध खराब होएगा इसका कौन जिम्मेदार है? हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें रोक के हमें तशद्दुद किया जा रहा है, कभी थाने आ जाओ, थाने आके क्या करेंगे ये लोग? तो क्यों रोक रहे हैं गाड़ी, कोई वजह बताई होगी ना कि आप लोग क्या गलत काम कर रहे हो? कोई वजह नहीं है, कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि आप लोग आ जाएं, थाने आ जाएं। अच्छा थाने आ जाएं। अब थाना इतना दूर है, वहाँ हम जाएंगे फिर अपने जब दुकान पे शॉप पे पहुंचेंगे तो खराब हो जाएगा। लाजमी सी बात है, यहाँ हमें 5 लाख रुपए का दूध है गाड़ी के ऊपर। अच्छा ये दूध है 4-5 लाख रुपए का? 5 लाख रुपए का दूध है। 5 लाख रुपए। पुलिस वाले गाड़ी के अंदर बैठे हैं, वो बोलते हैं सही पूछ रहे थे, बात कर लेते हैं कि वो कि क्या वजूहत है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या वजूहत है, क्या ऑर्डर मिलेगा ये दूध की गाड़ी? सर खड़े हमारे अफसर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। आप ये बताएं कि जो भाई जितने भी लोग हैं ये परेशान हैं, बोले हमारी एक गाड़ी में 4-4, 5-5 लाख रुपए का दूध है, क्या वजूहत है जो लेके जा रहे हैं? सरकार का हुक्म है जी, सरकार से पूछो। सरकार का क्यों हुक्म है, बताया जाए, हमें परेशान कर रहे हो आप लोग, हमें आप परेशान कर रहे हो, रात को भी 4 बजे अभी भी जज्बाती थोड़ा कम हो जाए, हमारे पास कोर्ट के आज उधर जो हुक्म है। सर एक मिनट सर, शादी सर कौन, आप जाएं उधर थाने में जाएं, थाने में नहीं, यहाँ ड्यूटी अफसर कौन है? 5-5 लाख रुपए का दूध है हमारी गाड़ियों के अंदर, हमारी गाड़ियों पे दूध है, 2 घंटे गाड़ी रुकी, हमारा तो काम हो गया यार। पहले मैं गई का दौर, देखो हालात देखो कैसे चल रहे हैं यार, हमारी 1 घंटा भी गाड़ी रुकी, हमारा तो काम हो गया भाई, हमारा क्या कसूर है? हमने भाव बढ़ाया यार, हमने बढ़ाया तो हमारे को बंद करो यार, जिन्होंने बढ़ाया उधर जा नहीं रहा यार, उधर जाए तो सही यार, डेयरी पे जाए, जहाँ पे जो डेयरी पे जाना, डेयरी फार्म वाले का जाए, उधर जाकर मिले जो भाव बढ़ा रहे उनके भी मामला सुने ना, वहाँ से पकड़े, क्या मामला था यार बेचारे, उनका भी सुने, राशन महंगा जो भी मामला था उनके जाकर सुने, हमारे ऊपर पकड़े खड़े, अब 3-3 लाख का गाड़ी के ऊपर दूध है यार, 1 घंटा गाड़ी रुक गई तो हमारा तो काम हो गया भाई, खत्म हो गया, इसकी जिंदगी खत्म है भाई जान, सही है, करोड़ों रुपए का दूध है, सुबह भी इन्होंने यही काम करा हमारे साथ, अभी फिर ये करके खड़े हो गए, गाड़ी लेके चले गए, ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, थाने जा रही है गाड़ी, 1 बजे का दूध उठाया हुआ, कहाँ इसको लेके जाए, नहीं 1 बजे का दूध उठाया हुआ, अभी 1 बजे का, 1 बजे का, इतने घंटे से गाड़ी हमारी रुकी हुई है, हम इनको कहाँ लेके जाए? सही बात है, वो आपको बता रहे 3-4 घंटे में दूध खत्म हो जाता है, दूध 4 घंटे में खत्म हो जाता है, ये खराब हो जाएगा, सही है, भाई 1.5 घंटा जिंदगी है, अच्छा दूध की क्या जिंदगी है, डेयरी फार्म से उठाएंगे शहर तक 1.5 घंटे की दूध की जिंदगी है, अब 1.5-2 घंटे की बात है, क्या आवाम जो है ये परेशान है, ये जो से जो डेयरी वाले लोग हैं बोले उस तरफ जाएं, वहाँ पे गिरफ्तारी करें, वहाँ पे पूछें कि कीमतें क्यों बढ़ी हैं, ये सप्लाई वाले हैं, हम लोगों पे होता है गाड़ियों वालों पे, गाड़ियों वालों का कसूर क्या है कि भाई गाड़ियाँ बाहर से उठा के सप्लाई करते हैं, हमारा कोई कसूर है? आप सिर्फ सप्लाई वाले हैं? हम सिर्फ सप्लाई वाले हैं, वो भी आगे सप्लाई वाले हैं, फार्मर हैं, हम फार्मर हैं, हमारे दूध रास्तों के ऊपर रोक के खराब किए जा रहे हैं। आपका बाड़ा है अंदर? मेरा बाड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, 250 रुपए लीटर हो गया, सही है, उसके ऊपर कोई नहीं है, कोई भी हरकत में कोई इंतजामिया नहीं आ रही, यहाँ जो है ना दूध हमें तंग किया जा रहा है, हमारे दूध कितनी लाइफ है, 2-3 घंटे महंगा हुआ है, कोई वजह सामने नहीं, तो महंगा जो हर भूसा महंगा, सैलाब की वजह से कोई चीज मिल नहीं रही है, हर चीज ना पैद हुई पड़ी है, तो दूध हम भैंसों को क्या डालेंगे, क्या चारा डालेंगे, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, सही कह रहे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक भी जाम हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम नहीं करना चाहते, परेशान हो रहे हैं, मसरूफ तरीन रोड है, तो आए चलते हैं वहाँ पे, उनसे जानते हैं कि क्या हाल है, क्या हाल है, किस वजह से ये महंगाई हो रही है, किस वजह से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और उसका सदैव क्या होगा, आ जाए मेरे साथ। जी सर, मसला ये है कि हमें हुक्म मिला था हेड मोरर की तरफ से कि आप
उधर भैंस कॉलोनी मोड़ पे खड़े हो जाए, वहाँ जो आ रही है गाड़ी उसको आप थाने ले आए। कमिश्नर साहब का हुक्म है, ठीक है, कमिश्नर साहब, कराची कमिश्नर साहब का हुक्म। हमसे फ़ोन पे भी रब्ता हुआ और हमने वो गाड़ियाँ वहाँ पर थाने की तरफ भेज दी, बस इतनी सी बात है। उसके अलावा हमारा कोई लेना, आपकी बात सही है कि आपका ऑर्डर है, आप उसको तकमील कर रहे हैं, आपसे कोई परेशानी नहीं है कि वजूहत क्या है ये नहीं पता आपको? ये हमें कोई मामला का पता नहीं है, हमें जो हुक्म मिले हम अपने हुक्म के मुताबिक। अस्सलाम जी सर, क्या कहेंगे ये जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं? अजीर भी बोल रहा हूँ, आल कराची फ्रेश मिल्क होलसेल एसोसिएशन से। ये ऑर्डर था हमारे पास कि ये दूध का जो भाव बढ़ा है डेयरी फार्मर ने बढ़ाया, दूध की जो गाड़ियाँ सिर्फ कैरी करती हैं, ये दूध बेचती नहीं है, जहाँ बिक रहा है वहाँ छापे मारने चाहिए, कानून के मुताबिक जिन्होंने बढ़ाया है उनको मारने चाहिए। ये सिर्फ सप्लाई वाली गाड़ियाँ, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का दूध है इसमें, इसमें हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, आप इसको फोकस कर सकते हैं, ये एक कैमरे के सामने कर लेते हैं, ये ऑर्डर है, पूरी बात सुन लीजिए। और ये आज सुबह हमने तमाम डीसीज को नोटिस भेज दिए, उसके बाद सुबह भी नाके ख़त्म हुए हैं, अभी फिर उन्होंने लगा दिए, तो ये ऑर्डर देख लें, बिल्कुल सही है, ये ऑर्डर आया हुआ है जी, ठीक है, ये ऑर्डर भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ये गाड़ियाँ कैरी कर रही हैं, इनको रेस्पेक्ट किया जाए, इन पर जुर्माने न किए जाए, ये ऑर्डर सही है। दूसरा ये कि सर आप लोग तो आप बता रहे हैं कि आप लोग सिर्फ तरसील करते हैं दूध की, दूध बेचते हैं, सिर्फ आपका काम सप्लाई का है, लेकिन जो डेयरी वाले लोग हैं, जो डेयरी का काम कर रहे हैं, जो दूध बेच रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा कि क्यों महंगा हुआ है, क्या वजूहत हैं, वहाँ गिरफ्तारियाँ हुई, वहाँ कोई अमल में आई कोई ऐसी गिरफ्तारी वगैरह? अमल में कोई नहीं आई, लेकिन डेयरी फार्मर के दो यूनियन है, एक शाकिर उमर साहब की, एक हाजी अख्तर साहब की। शाकिर उमर ने कल बाकायदा बयान दिया है टीवी पे कि दुकानदारों का भी कसूर नहीं है, होलसेलर का भी कसूर नहीं है, डेयरी फार्मर ने भाव बढ़ाया है, आके यहाँ इनसे बात करें और हमें मौका दें। तो भैंस कॉलोनी में आके नाके लगा के गाड़ियाँ तो बंद की जा रही हैं और यूनियन से बात नहीं की जा रही। बात करें कि जो जी जो रहनुमा है, जो बातचीत करने उनसे करनी चाहिए, जो डेयरी फार्मर है जी, हाँ उनसे करनी चाहिए, और वो खुद दावत दे रहे हैं तकरीबन। हाँ, अगर हम जो है बकौल डेयरी फार्मर के, अगर हमने गलत कदम उठाया है तो हमसे बैठ के बात करें, हम वापस करने के लिए बिल्कुल सही करें कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं तरसील कर रहे हैं, इनका काम सिर्फ यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन है दूध की, ये ख़रीदार नहीं है, ये बेचने वाले नहीं है, लेकिन इनको लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, एक गाड़ी पे तकरीबन 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का सामान है इस टाइम लोड हुआ है, और जो बताया गया है कि दूध की जो लाइफ होती है वो 3 से 4 घंटे होती है, तो वो अभी 1.5-2 घंटे से यहाँ पर रुके हुए हैं, तो कह रहे हैं 1-2 घंटे बाद ये दूध ख़राब हो जाएगा, हमारे 3 से 4 लाख रुपए ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही है सर, चले आ जाए फिर, जो डेयरी फार्मर है उनसे बातचीत करते हैं, क्या वजूहत हैं, वो यहाँ पे आगे क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? थाने में उनका क्या है? अच्छा, हाँ वो भी सही बात करते हैं, थाने में बंद है गाड़ियाँ थाने में भी बंद है। अच्छा जी, सही है, ठीक है सर, हम देखते हैं ये क्या सूरत हाल है, पूछते हैं, आगे बात करते हैं, जो आपके 8-10 गाड़ियाँ थाने में बंद पड़ी हैं। बाकी जो चलान हो रहा है वो कितना हो रहा है? चलान नहीं अभी तक किसी का भी दुकानदारों के वो खुद चलान करेंगे, दुकानदारों के जो चलान हो रहे हैं, दुकानदारों का तो हमारे को नहीं पता है कि दुकानदारों का चलान और उधर भी हो रहे हैं, को भी ये कर रहे हैं चलान। अच्छा, बोलता नहीं इनका भी कोई लेसन नहीं, इनका कोई कार्ड नहीं है, बोल रहे हैं आप लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं, मकसद बहुत कुछ बोल रहे हैं कि जो हमें समझ भी नहीं आ रहा है। सही, ठीक है बिल्कुल सही है कि किसी को कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है, कुछ पता नहीं है, कुछ बता भी नहीं रहे। सही है, बोले सीएम आएंगे वो चेक करेंगे, क्या सीएम चेक करेंगे ये हमें समझ नहीं लग रही। सही है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, क्या मैंने अभी मालूमात ली है, मालूमात के मुताबिक इसमें बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें दूध मौजूद है लेकिन दूध के अंदर केमिकल लगा हुआ है, वो दूध नहीं है, मतलब ये कि केमिकल डाल के ना मिक्स करके केमिकल का दूध बनाया जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा सेहत के लिए मुजीर है। उसके लिए हमें जैसे पता चला उस इतलाक के मुताबिक गाड़ियों को रोका गया और रोक कर थाने की तरफ रवाना किया। ये भाई ने अभी जो भी है और इनके रेट के भी कोई इशू चल रहे हैं और ये केमिकल का इशू आ रहा है, जहांगीर नाम है, ठीक है, उसके हवाले से हमने गाड़ियों को रोक कर हमने जहांगीर भाई से हमने बात की थी, जहांगीर भाई को ऑर्डर थे, उन्होंने बताया कि हमें ऑर्डर है कि हम गाड़ियाँ जो सील करें उनको लेके आए थाने के तक पहुँचाएँ, अभी इनके पास फोन आया, ऑर्डर आया, उन्होंने हमें अपडेट किया है कि इसके अंदर कुछ गाड़ियाँ जो हैं उसमें केमिकल मिक्स है हुआ है, तो उस वजह से गाड़ियों को कस्टडी में लिया गया है, ऐसा ही सर, उनको चेक किया जाएगा, चेक करने के बाद जो भी मामलात होंगे, अगर जो गाड़ियाँ क्लियर होंगी उनको छोड़ दिया जाएगा, कमिश्नर साहब आएंगे उनको रिपोर्ट दी जाएगी, जो भी मामलात होंगे वो उनके, वो आगे अपना प्रोसेस जो भी होगा। बिल्कुल सही, जो आप लोगों के ऑर्डर थे वो यही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, पुलिस अपना काम सही कर रही है कि जो ऑर्डर है उसके ऊपर चल रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो दूध का काम कर रहे हैं उनसे ही बात कर लेते हैं, उनके पास ये ऑर्डर आए हैं उसमें कितनी सदाकत है, कि इसमें कोई मिलावट हुई भी है, क्या मामलात हैं, आ जाए। अभी जिन लोगों से हमने बात की थी डेयरी फार्म वालों से, उनसे दोबारा बात करते हैं कि उनके जो ऑर्डर आए। अस्सलाम वालेकुम,
सर अभी पुलिस के पास से हमने बात की है तो वो बोले उनके पास जो अभी ऑर्डर आए हैं उन्होंने कहा अपडेट ये है कि हमारे पास जो ऑर्डर आए हैं ना वो इस वजह से हम गाड़ी कस्टडी में ले रहे हैं कि इसमें कुछ केमिकल्स मिले हुए हैं, ये प्योर दूध नहीं है, इसमें मिलावट हुई है, इस वजह से हम गाड़ी कस्टडी में ले रहे हैं। अभी हमें पुलिस वाले भाई ने हमें ये बताया तो ऐसे इसमें कोई बात में सदाकत है, ऐसा कुछ हुआ हुआ है? ऐसे कुछ भी नहीं है, ये एक नया सियासी हरब है। अच्छा, ये काम फूड अथॉरिटी वालों का है, वो अपना काम कर रहे हैं, दुकानों में भी चेकिंग कर रहे हैं, गाड़ियों में भी चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है कि 100% ही केमिकल मिक्स हो गया और ये हो गया, ये ऐसे ही वही बात है जो कन्वर्ट की जा रही है। अच्छा, ये मतलब ये है कि ऐसी कोई बात नहीं, मतलब ब्लेम गेम चल रहा है कि इसके ऊपर आपके ऊपर एक मुद्दा डाला जा रहा है कि इसमें केमिकल मिक्स है और वजहात कुछ और हैं। जी, वो फूड अथॉरिटी का महकमा मौजूद है ना, वो अपनी कार्रवाई करें, हमें उससे क्या एतराज है? सही है, अगर केमिकल वाले दूध है बिल्कुल उसको जब्त करें, कोई शक नहीं। लेकिन वो तो सर जहर हुआ, फिर वो केमिकल वाला दूध तो बिल्कुल जिसकी गाड़ी से बरामद हो गिरफ्तार भी करें, दूध को जाया भी करें और हाईलाइट भी करें, हम तो इसके खिलाफ हैं, हम तो पानी के भी खिलाफ है, केमिकल तो बहुत बेहतरीन। तो सर ये आप लोग की गाड़ियाँ जैसे पुलिस वालों ने बोला कि इसमें केमिकल है, इसमें केमिकल मिक्स हुआ हुआ है, इस वजह से गिरफ्तार कर रहे हैं गाड़ियों को? नहीं नहीं, केमिकल कोई बात नहीं, खालिस दूध है, जा रहा है उसे ऐसे किया जा रहा है, खालिस दूध है, खालिस दूध है, खालिस, सही है, पहाड़ों से उठा के लेकर आते हैं। वो पुलिस वाले भाई हैं, वो बोले वहाँ पर फोन आया है हाई अथॉरिटी से, अभी रेट का मसला चल रहा है ना, सिर्फ रेट का मसला है, ये सिर्फ रेट का मसला है, ये चेक करना था तो फूड अथॉरिटी वालों का मसला है, फूड अथॉरिटी वाले चेक करें, तो ये पुलिस का काम नहीं है, ये पुलिस का काम था। सही है, ठीक है। तो लेकिन अभी सर यहाँ पे जो लोग गाड़ी हमारी पकड़ी है, जी जी, दो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपके काम भी दूसरे ही है, दूसरे मुल्क से लेके यहाँ भी, तो सर ये सुबह से गाड़ियाँ जैसे बता रहे हैं खड़ी हुई हैं, अभी भी यहाँ पे खड़ी हुई है, तो ये दूध तो 3-4 घंटे की लाइफ होती है, उसके बाद ये 5-6 लाख हो जाएगा, एक गाड़ी में दूध होता है, खराब हो जाएगा, तो नुकसान तो गलत कर रहे हैं। यहाँ पे जो जितने भी बेचारे दिहाड़ीदार आदमी हैं, जिनकी जिम्मेदारी उनका काम उनको करना चाहिए ना, पुलिस का काम थोड़ी है। सही है, मतलब ये जो है ये आपके ऊपर मुद्दा डाला जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये उसमें कोई सदाकत नहीं बात में? सही है, ठीक, यहाँ से कॉलोनी से तकरीबन अच्छा दूध जाता है, ये प्योर दूध है। ठीक है, ठीक है, कीमतें बढ़ने के बाद अभी हमने देखा सारा अहवाल कि दूध की जो तरसील कर रहे हैं वो भी परेशान हैं, उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही हैं, उन पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनका कहना यही है कि हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है, ये जितनी भी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं वो डेयरी फार्मर की तरफ से बढ़ाई जा रही हैं, उनकी तरफ से कीमतों में इजाफा किया गया है, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, डेयरी फार्मर से पूछा जाए, उनसे इस बात का जो जवाब है वो तलब किया जाए, तो इसी वाले से अभी हम एक फार्म में आए हैं और यहाँ से जानते हैं सारा अहवाल की दूध की कीमतें क्यों बढ़ी हैं, इसके पीछे क्या वजूहत हैं, जो आवाम इतना बड़ा बोझ सह रही है कि दूध जो है वो मिल भी नहीं रहा है और जो मिल रहा है वो बड़ी महंगी कीमतों में मिल रहा है, तो जानते हैं यहाँ पे सारा अहवाल कि दूध की कीमतें किस वजूहत की वजह से बढ़ी हैं। आ जाए मेरे साथ। दूध की जो कीमतें बढ़ी हैं उसमें गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, जुर्माने भी लग रहे हैं, गाड़ियाँ पकड़े जा रही हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से यहाँ पे देखते भी हैं पूरी एसोसिएशन को और सारे मामलों को, तो क्या कार्रवाई करेंगे अगर ये इसी तरह मामला चलता रहा, गिरफ्तारियाँ चलते रहें? देखो, अब कार्रवाई तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो इजाज कर सकते हैं, अगर इन्होंने हमारी बात पे अमल ना किया तो हम अपनी पैसे हाईवे पे ले आएंगे, हम पैसे काटेंगे। अच्छा। क्योंकि फार्मर तो भाई के दाने पे पहुँच चुका है और महंगाई है, जो महंगाई पूरे मुल्क में इसी महंगाई में ये फार्मर भी पीस रहे हैं। अभी आवाम से बात की, आवाम बोली हम जहाँ 2 किलो दूध लेते थे वहाँ पे 1 किलो कर दिया। देखो, महंगाई अभी जो हमारा काम है वो भी तो भैंसे भी तो चारा खा रही हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं, हम भी तो इसी मुल्क के रहने वाले हैं, महंगाई एक आवाम के लिए तो नहीं है, सारे पूरे पाकिस्तान के लिए, उनका कहना ये है कराची के शहर के लिए नहीं है। अबाजी साहब, उनका कहना ये है कि जैसे आपके पास जो चारे वाला है वो कीमतें बढ़ा देता है, आपके पास चारा महंगा आता है आप दूध महंगा कर देते हैं, लेकिन आवाम की तनख्वाह आवाम की दिहाड़ी वहीं की वहीं है, बोलते हमारे पर बोझ आता है, पूरा सारा जितना बोझ हमारे पर ही गिरता है आवाम के ऊपर। देखो, जब हमें राशन हमारे महंगे होंगे, देखो समझ गया, जब हमारी कास्ट बढ़ेगी तो हम दूध का रेट बढ़ाएंगे, नहीं तो हम कारोबार नहीं कर सकते, किस तरह करेंगे? सही बात है, हर जो चीज़ हम 50 रुपये ले रहे थे आज 150 रुपये किलो ले रहे हैं, हर बंदा अपने अपने उसमें भूसा जो है 700 रुपये मन था, आज 1300-1400 रुपये मन आ रहा है और सारा पानी आ रहा है, अगर पानी निकालो तो 1800-1700 रुपये मन पड़ता है, 40 रुपये किलो पड़ रहा है, भूसा है वो सारा तो मुल्क से बाहर चला जाता है, जो थोड़ा बहुत बचता है वो यहाँ पे आता है। लिख लिख के थक चुके हैं भाई, जो हमारे जरूरियात के चीज़ें हैं, जो हमारे भैंसे की जरूरियात की चीज़ें हैं जो है ना, उनको बाहर नहीं भेजा जाता है ताकि अपना मुल्क सरमाया कर सके, डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री बच सके,
आता ही कोई नहीं है। कोई नहीं, आपकी मीटिंग होती है कमिश्नर वगैरह से, कोई नहीं सुनता? कमिश्नर से मीटिंग होती है, हर जगह लिख लिख के थक चुके हैं कि भाई जो है इस पे कंट्रोल किया जाए, मैं जो फार्मिंग की एशिया है इन पे कंट्रोल किया जाए ताकि मुल्क में दूध सस्ता हो सके, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे कि आवाम से ही बात होती है, हर बंदा यही परेशान है कि किस तरह से गुजारा होगा, किस तरह से मामला चलेंगे। जैसे आबाजी साहब खड़े हुए हैं, ये भी यहाँ डेयरी फार्मर हैं और यहाँ पर एक बड़ा कारोबार चला रहे हैं, ये भी परेशान है कि यहाँ पर ना चारा उस मद में आ रहा है तो महंगा आ रहा है। तो इसी तरह इसी हवाले से कीमतें भी बढ़ी हैं, जो कि आवाम के ऊपर बड़ा बोझ है, आवाम बड़ी परेशान है। हाल जाना आपने आवाम का कि आवाम कितनी परेशान है, वैसे महंगाई से परेशान है, ऊपर से फिर ये दूध की जो कीमतें बढ़ गई हैं उसके वाले से आवाम ज़्यादा परेशान है। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं डेरियन कैटल फार्म के रहनुमा और सारी करता रहता सारी चीज़ों पर बड़ी ग्रिप है उनकी, शाकिर उमर गुजर साहब। अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, मसरूफियात है मुझे पता है, आजकल आप दिन रात काम कर रहे हैं इसी हवाले से, कीमतों के हवाले से। तो सर क्या कहेंगे, ये जो कीमतें बढ़ी हैं, दूध की कीमतें बढ़ गई हैं, आवाम वैसी परेशान है महंगाई से, तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है थोड़ा सा तफसील से बताइएगा, क्योंकि दुकानदार भी बड़ा परेशान है, बोले हमारे पास छापे भी पड़ रहे हैं, हमें गिरफ्तार भी किया जा रहा है, जुर्माना भी लग रहा है। वालेकुम अस्सलाम जी, तो बड़ा ममनून हूँ मैं आपके चैनल का, आप मेरे पास तशरीफ़ लाए फार्मर का मौक़िफ़ आवाम के सामने रखने के लिए, और यकीनन आवाम की परेशानियाँ आप ही हम तक पहुँचाते हैं और हम इस चीज़ को समझते हैं बखूबी कि आवाम की सारिफ की कुव्वत ख़रीद नहीं, बिल्कुल, और हम बड़े परेशान हैं इस सिलसिले में कि आखिर को दूध की कीमतें, बढ़ती हुई कीमतें कैसे कम की जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि दूध की कीमतों का अख्तियार हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा। ना ही हमने ये बढ़ाई हैं, ये कीमतें बढ़ाई हैं वक्त में, क्योंकि देखें दूध की कीमतों का ताल्लुक किसी की ख्वाहिशात से तो हो नहीं सकता। दूध की कीमतों का, दूध गोश्त मुर्गी और अंडे की कीमतों का ताल्लुक बराहे रास्त उनका ताल्लुक उसके इनपुट की कीमतों से है। इनपुट की कीमतें बढ़ेंगी, आउटपुट की कीमतें बढ़ेंगी। इनपुट मतलब आप कह रहे हैं जो उनका चारा वगैरह जो सारा मामला, यकीनन जी, चारा हो गया, मवेशी हो गए, दीगर चीज़ें। मैं आपको बता दूं, दूध इतना महंगा नहीं होता, दूध गोश्त मुर्गी अंडा। अगर हुकूमत जो भी हमारी रही है, वफाकी हुकूमत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वो हमेशा से अजनास के बाई प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती रही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मुल्की ज़रूरियात पूरी किए बगैर किसी भी किस्म के अजनास की एक्सपोर्ट, उनके बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट करना गैर मुनासिब है, बिल्कुल मुजरिमाना फेल है। मेरे मवेशी के मुंह का निवाला छीन के आप बाहर भेज रहे हो तो यकीनन गैर मुनासिब। आप यकीन जाने, अब सैलाब के बाद से जो सूरत हाल है, अब सिंध में तो भूसा है नहीं, बिल्कुल, तो सिंध अब पंजाब पे इनसार कर रहा है। जब पंजाब हम ऑर्डर देने जाते हैं भूसे का, तो वहाँ का जो भूसे वाला वो कहता है जी पहले एक्सपोर्टर के ऑर्डर पूरे करूंगा फिर आपको भेजूंगा। तो इसमें गवर्नमेंट कोई स्टैंड नहीं ले रही इतने बड़ा? नहीं नहीं जी, गवर्नमेंट कहाँ से स्टैंड लेगी? गवर्नमेंट चंद डॉलर्स के बस वो सारिफ की जेब पे बोझ डाल रही है, फार्मर्स को परेशान कर रही है। देखें जब वो एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, तो हमें इम्पोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, और पहले वो टैक्सेस ड्यूटीज लगा के यकीनन चंद डॉलर्स हासिल करती है ना गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए, ऐसे ही। उसके बाद जब हम इंपोर्ट करते हैं वही ड्यूटीज वही टैक्सेस, और इनपुट की कीमतें बढ़ती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, उसका बहुत सारी फुट आता है। जैसे कि आप डेयरी एंड कैटल फार्म एसोसिएशन के रहनुमा भी हैं, सरबरा भी हैं, तो अभी जो डेयरी के लोग हैं उनको उठाया भी जा रहा है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, उन पर जुर्माना भी लगा रहे हैं, तो उस हवाले से क्या कमिश्नर साहब से क्या इल्तिजा करेंगे, क्या गुजारिश करेंगे? क्योंकि बेचारे वो भी रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाने वाले लोग हैं, जो फार्म जो डेयरी फार्म वाले हैं, जो डेयरी की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, उनका भी बड़ा नुकसान हो रहा है, 10,000 रुपये उनको जुर्माना लग जाता है। देखिए यकीनन कमिश्नर कराची, मैं समझता हूँ कि दूध फरोशों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, वो यूँ करे कोई और भरे कोई और। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन किसकी बड़ी? डेयरी फार्मर ने अल्टीमेटली उन्हीं पर आता है, बुला के एतमाद में लेके स्टेक होल्डर्स को उन्होंने अपने रेट का ऐलान कर दिया। रेट का ऐलान किसने किया? डेयरी फार्मर ने। आप जाके बंद करो दुकानदारों को, आप गाड़ियां रोको, होलसेलर्स की तो ज्यादती है ना। आप देखें कमिश्नर साहब को चाहिए, देखें उन्हें हमें गिरफ्तार करना है ना, हमें बताया हम खुद आगे गिरफ्तारी दे देंगे, कोई मसला नहीं है उसमें। पहले भी 2-3-4 दफ़ा इन्होंने की है ना गिरफ्तारियाँ, उसका नतीजा इन्होंने देख लिया। तो देखें मामला गिरफ्तारियों से है, गाड़ियाँ रोकने से है, दुकानदारों को बंद करने से, उनकी तजलील करने से, दुकानें सील करने से हल नहीं होगा। मामला हल होगा
टेबल टॉक्स डायलॉग्स जो जम्मू तारी उसको ख़त्म, ये बैठे बातचीत करें हमारे साथ। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं, देखिए जब कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग होती है ना जी, तो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये अपने आप को हुक्मरान समझते हैं और एक बादशाही निज़ाम समझते हैं ये। और यकीनन जब हम वहाँ बैठते हैं ये हंसी मजाक ठट्ठे उड़ाते हैं और इंसल्ट करते हैं सामने वाले की, तो हमने तो वहाँ जाना ही छोड़ दिया ना मीटिंग। आप लोग कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों का मजाक उड़ाया जाता है? यकीनन ऐसा ही है जी, और जहाँ हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, देखिए मैं एक किसान हूँ जी, मैं शाकिर भाई कतई कलामी, मतलब ये कि आपकी बात को सीरियस नहीं लिया जाता, जितना अहम इशू है ये इसको सीरियस नहीं लिया जाता। देखें जी, जबानी बात की तो हैसियत होती नहीं ना, हमारे तो कलम को कुछ नहीं समझा इन्होंने, और मैं जानता हूँ मेरे कलम की नोक बारूद की गोली से ज़्यादा तेज़ चलती है। तो यकीनन हमें बड़ा दुख है, हम अपने लोगों के लिए सस्ता दूध पैदा करना चाहते हैं। आखिर में एक बात और भी कहूँगा कि देखें अब जो हमारी आवाम, देखें पाकिस्तान बर्रे सगीर पाक व हिंद जब दौलत हुआ तो यकीनन इस खत्ते में भैंस की फरावानी थी, हमारे लोगों को मोटा दूध मुँह लगा हुआ है भैंस का, मोटी बालाई का दूध पीना छोड़ दें, मत पिए वो गाय का दूध पिए, सस्ता दूध पैदा होता है, ज़्यादा दूध पैदा होता है, आपको देंगे 130 रुपए लीटर 140 रुपए लीटर देंगे। आप गाय के दूध की कंपेन चलाएं, नेशनल मीडिया से भी अपील करूंगा कि गाय के दूध की कंपेन चलाएं, भैंस के दूध को छोड़ दें आप। देखे ना हमें अपने बच्चे तो पालने हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और यकीनी तौर पर हमें बड़ा दुख है इस बात का, हम दूध की कीमतें कम करेंगे अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमारी बात मान लेती है, अजनास की बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा देती है, तो हम फौरी तौर पे दूध की कीमतें 20-30 रुपए कम कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शाकिर भाई, और मेरी भी ये गुजारिश है जो कमिश्नर ऑफ कराची हैं और जितने भी अहदेदारान हैं वो इनके साथ बैठे हैं, बातचीत करें, सीरियस नोट पर बातचीत करें, अवामी इशू है, आवाम बहुत परेशान है महंगाई से बेरोज़गारी से, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, उनके पास बोझ बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो हमारी यही गुजारिश है खुदा रहा इस बात को सीरियस करें। सर दूध लेके आ रहे हैं आप, दूध महंगा, आटा महंगा, हर चीज़ जो है वो। सर ये देखें आप, गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता, ये 10 रुपये भी नहीं, 10 रुपये बढ़ाने की बजाय 20-20 रुपये बढ़ा रहे हैं। आपने देखा है 200 रुपये किलो दूध, फैक्ट्री के लोग ऐसे हैं जो 20,000 रुपये तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे बच्चों को दूध ही नसीब नहीं हुआ है यार, महीने हो गए हमने देखा ही नहीं है चाय में दूध कैसा होता है, बोले यार हम खाली चाय पी दे, अंधेर नगरी मचाई भी है, कोई पूछने वाले ही नहीं है, अब हम नहीं पूछ रही है, दूध वाले जो रेट चाहते हैं एक दिन लिस्ट कर दे, एक दिन लिस्ट लगा दे, दूसरे दिन लिस्ट हटा देते, अपनी मर्जी से बेचते, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। ये बच्चों की वजह से, मजबूरी की वजह से लेना पड़ता है हमें दूध, वरना तो हमारा पूरा इरादा था कि हम बायकॉट करेंगे, लेकिन जब बच्चे रोते हैं घर पे तो उनके लिए हमें ये काम करना पड़ता है। 200 रुपये किलो दूध जिसकी तनख्वाह 20,000-22,000 रुपये है, वो 200 रुपये में किस तरह अपना गुजारा करेगा? सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी भी किस्म का यहाँ पर। अगर आज कोई आके अभी कोई कमिश्नर आए, अव्वल तो कोई है नहीं हमारा, कोई कराची का वाली वारिस है नहीं, कराची वालों की कोई सुनने वाला नहीं है, अगर अभी कोई यहाँ पर आ जाता है और आकर वो इन पे 50,000 या 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी कर देते हैं, तो ये उसे 1,50,000 रुपए दे देते हैं, क्योंकि 1,50,000 रुपए जो एक दिन में कमा लेते हैं, इनको ज़रूरत ही नहीं है कि ये जो है कुछ पैसे कम करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर आप अगर टैक्सेस आके लगाएंगे, इनका सिर्फ एक हल है कि इनको लाके बंद कर दिया जाए, इनको बंद किया जाए, अवाम को इतना परेशान कर दिया है, तंग कर दिया है कि अवाम सिर्फ अपने खाने में लगे हुए हैं। सर अभी मैंने सब्जी खरीदी है, 3 चीज़ें खरीदी हैं, 700 रुपये की मिली है, 200 रुपये टमाटर चल रहा है, 180 रुपये प्याज दी है उसने मुझे, और 150 रुपये के करीब मुझसे उसने आलू दिए, तो इतनी महंगाई चल रही है, हम लोग कैसे पूरा करेंगे समझ में नहीं आ रहा। सब्जी अलग महंगी, आटा महंगा, दूध महंगा, जहाँ पे जाएं आप। और बिजली का बिल देखो, हमारे घर पे सिर्फ 1.5 घंटे के लिए लाइट आ रही है, पूरे 24 घंटे में सिर्फ हर 1.5 घंटे बाद 3.5 घंटे के लिए लाइट जा रही है। अच्छा, रात 1 बजे तक लाइट जाती है, हम लोग 1 बजे तक पहले लाइट का इंतजार करें, फिर सुबह सुबह 7 बजे फिर लाइट बंद कर देते हैं किसी के लिए, और बिल आ रहा है हमारा 15-20 हज़ार रुपये, हम कह रहे तो कहाँ जाए, गैस गायब, लाइट गायब, हर सब कुछ गायब भाई, अब लग रहा है कराची वाले भी गायब होने वाले हैं लग रहा है कुछ अरसे में, पूछने वाला ही नहीं है सर, अभी दूध महंगा हुआ है, आटा महंगा हुआ है, जो पूछने वाले उनको तो उनकी जेब भर रहे हैं वो लोग, मसला ये नहीं पूछा
किसी भी अरबाब इख्तियार ने ये नहीं पूछा कि ये 20 रुपए 200 रुपए किलो जो है दूध कैसे पहुंचा, ठीक है ना। ये आज से 4 साल पहले तक दूध जो है वो 100 रुपए और 80 रुपए था, अब वो ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते जो है ना वो अब पहुंच गया वो 200 रुपए। किसी ने नहीं पूछा। कमिश्नर साहब आते हैं थोड़ा सा वो पैसे ले शटर डाउन करवाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे दिन जो है ना उनके जेब में पैसे पहुंच जाते हैं, वो पैसे पहुंचते फिर दुकान खुल जाती है और अपना काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप ये देखें, इनकी बंदी होती है सर्दियों में, सर्दियों में बंदी होती है कम रेट पे, लेकिन ये पूरे साल एक ही रेट पे दूध बेचते हैं। इसके अलावा ये अभी इन्होंने दूसरी मर्तबा जो है ना दूध के अंदर इजाफा किया है। मुझे बताएं, इनकी बंदी जो है सर्दियों में हुई है, तो ये किसी ने सवाल नहीं किया, किसी भी अरबाब इख्तियार ने सवाल नहीं किया कि जब तुम्हारी बंदी जो है वो सर्दियों में होती है तो ये दो दो मर्तबा तीन तीन मर्तबा तुमने पैसे बढ़ाए, 20 रुपए क्यों बढ़ाए। भाई बात यह है, किस चीज़ के रेट कम है? ये भाई दूध के ऊपर बात कर रहे थे, दूध में जितनी कमोडिटी महंगी हो जाए पता है आपको, हुआ इनको पता नहीं। अब आप चुप रहे, अब आप नहीं बोलेंगे दरमियान में, बिल्कुल फसलें तबाह हो गई, राशन नहीं मिल रहा, हम पैसे दे के राशन नहीं ले सकते रहे। भैंस जो 2 लाख की थी 3 लाख की हो गई है, भूसा जो 800-600 रुपये मनता पिछले साल अब 1200 रुपये मान रहे हैं। आपका दूध का कारोबार है जी, खली जो 3000 रुपये की थी ना पिछले साल तक, वो 5000 रुपये की नहीं मिल रही है, हमें 5500 नहीं मिल रही। गंदुम 3000 रुपये मन मिल रही है, गंदुम 3000 मन, तुम मुझे बताओ सस्ता क्या है? पानी कितना महंगा है, हम पानी तो 150 रुपए की बोतल खरीद लेते हैं और दूध के ऊपर हम बातें करते हैं। समझो बात है, ये जो एक मिनट बात कर ले, दरमियान में नहीं बोला, नहीं मेरा अपने कारोबार में बोल रहा हूँ, मैं अपने कारोबार में बोल रहा हूँ। और दस हजार रुपए साइन करके लेकर के 10,000 रुपए कट दे दिए उनको, आप 20-20 रुपए बढ़ाते हो, आप शर्म करो यार, कुछ शर्म, अल्लाह का खौफ करो, आप खुदा का खौफ करो। हम करते हैं खौफ, आप क्या कारोबार करते हो, क्या कारोबार करते हो? हम मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमारा कारोबार नहीं है। दस हजार रुपए लेके चले गए। वो एडीएम आया था ना कल, यहाँ सबको पर्चों लेकर गए, मेरे सामने ये खड़े हुए, इनके सामने हाँ, उन्होंने 10,000 रुपए बोला, भाई चलो बंदा साथ में चलो, वो 10,000 रुपए। मेरी बात सुने, ये जो भाई उसको गाय के 10,000 रुपए दिए, वो एक मिनट भाई सुन ले, मसला ये आवाम है, ये आवाम है, आवाम के ऊपर बोझ गिर रहा है, देखो परेशान है। नहीं एक मिनट तो ना, बड़े साहब अरे यार सबर करो, चीख क्यों रहे हो, बात करो अरे यार बात करो यार, सुनो तो सही, लड़े नहीं मेरी बात सुनो भाई, बड़े साहब ब्रेड पिछले साल 60 रुपए की थी ना, अब 110 रुपए की है। मैं अभी डेयरी फार्म से ही आ रहा हूँ, हाँ शाकिर कुमार गुजर साहब के पास से ही आ रहा हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। सही है, वहाँ पे गाड़ी भी पकड़े जा रही हैं, पुलिस वाले गाड़ियाँ रोक रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि उसके अंदर केमिकल मिला हुआ है, सारी चीजें मैं करके आ रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात सुनो, ये जो जितने भी आवाम खड़ी हुई है ना, मैं ये बात कर रहा हूँ, इनकी किसकी तनख्वाह बड़ी होगी, किसकी दिहाड़ी बड़ी होगी? पहली बात तो ये है, एक मिनट भाई, मैं बताऊं, नहीं टूटी फ्रूटी, मैं महंगाई के खिलाफ हूं। देखो डबल रोटी 60 रुपए की थी, कौन से महीने में, अप्रैल में, आज 110 रुपए की है, कोई बोलता है? सब रोटी 10 रुपए की थी, नहीं रोटी 10 रुपए की थी, 25 की हो गई, बोले खामोश है, नहीं आवाम परेशान है सर, 25 क्या बोल भाई, मजबूरी है तो मजबूरी है। अच्छा अभी दूध ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, मजबूरी में ले रहे हैं। आप एक किलो पे 20 रुपए बढ़ा रहे हो सर, आखिर में जो बोझ गिरता है ना, देखें आपकी कीमतें बढ़ी,
आप कमा रहे ना, आपको पिज्जा महंगा मिल रहा है। एक मिनट, आपने बढ़ा दिया, आपने माता चारा बढ़ा, आपने बढ़ा दिया, ये कैसे करेंगे पूरा ये बताएं। हुकूमत को चाहिए ना, हमें को रिलीफ देना, हमें कह रहे ना भाई, सर्दी में रेट बढ़ता है, सर्दी में रेट नहीं बढ़ता। एक मिनट, जो 20 रुपए किलो रेट किसी की नहीं बढ़ी, नहीं तो अभी आटा जो ले रहे थे, दूध जो ले रहे हैं, 500 रुपए का 5 किलो आटा है, क्या करें, 1100 रुपए का 10 किलो हो गया, नहीं हो रहा ना, यही मसला है, यही मसला है ना। सुनो सुनो भाई, भाई भाई बात सुनो भाई, भाई क्यों रिश्वत दे रहे हैं हाजी साहब गायब है, हाँ रिश्वत जा रही है बराबर, आप दूध महंगा हो गया नहीं बेचो, मगर रिश्वत भाई भाई जो बोर्ड में ले रहे 30 रुपए किलो है दूध का, ये 200 रुपए किलो क्यों बेच रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, तेरे जैसे चार नहीं और हो गए ना भाई। सर अभी आवाम सर वैसे परेशान है हर तरफ से महंगाई से, अब ये दूध की कीमतें ही बढ़ गई, तो सर कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों महंगा हो रहा है, किस मद में हो रहा है, कोई आप लोग बताओगे ना, कोई पूछने वाला क्यों नहीं है, लिस्ट थोड़ी लग रही है, लिस्ट नहीं लग रही, नहीं आप लोग बताओगे ना क्यों पूछने वाला नहीं, सिस्टम को आप बताओगे ना, अवेयरनेस आप लोग दोगे, अवेयरनेस हम कैसे देंगे, हमारा काम थोड़ी है, कारोबार थोड़ी कर रहे हैं, मीडिया से लोगों को अवेयरनेस मिलती है भाई, मीडिया जिन थोड़ी है कि हर चीज हम बता देंगे, भाई कारोबार आप कर रहे हो आपके पास आ रहा है ना, पता लग गया ना वहाँ से कि भाई मुझे पता चला है, लेकिन वो भी सिर्फ बोल ही रहे ना जैसे आप बोल रहे हो, हम क्या कर सकते हैं भाई, असल में काम तो गवर्नमेंट का है, जो गवर्नमेंट छापे मार रही है, 70 रुपए बढ़े ना एक साल के अंदर, हमें आपसे ज्यादा प्रॉब्लम है, आवाम से ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को है, सारी जो है ना पोजीशन को ना हमको हमको बोलते मीडिया, भाई मीडिया सिर्फ खबर दे सकती है, मैं कोई कमिश्नर थोड़ी लगा हुआ, आप कमिश्नर गिरफ्तारियां हो रही है, आप बिल्कुल हो रही है, लेकिन दुकानदार का क्या कसूर है, दुकानदार पे सारा नजला गिराया जा रहा है ना, कहने का मकसद है आप माशाल्लाह पूरा कॉलोनी का सर्वे कर रहे हैं, आप लोगों पे नजला नहीं कर रहा, आप लोगों पे वो कार्रवाई कर रहे हैं, आपसे ज्यादा परेशान है अल्लाह के बंदे, आपने महंगा कर दिया, आप अपना कमा रहे हैं, महंगा कर दिया ना, आवाम किस रही है यहाँ पे, कहने का मकसद आपने सर्वे किया पीछे, हमें सर्वे क्या रिपोर्ट मिली आपको, बाकी महंगा है कि नहीं है, चारा महंगा है हम लोग, हमारे एकदम में तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह के बंदे दुकानदार हो, हमने अभी सर पुलिस वाले गाड़ियां रोक रहे थे, हमने वो गाड़ियां भी उनको दिखाई, रोके लेकिन वो दुकानदार भी क्या करे, दुकानदार तो कुछ भी नहीं कर सकता, दुकानदार तो हाथ पैर बंधे हैं उसके, तो बिल्कुल हम लोग आपसे ज्यादा तकरीबन जो है पे ज्यादा से ज्यादा 16-17 रुपए बच जाते हैं, और कितने बचते हैं, 1 लाख रुपए काम थोड़ी है कोई, आप पूरी कैलकुलेशन करो, थैली महंगी, ऊपर शॉपर महंगी, लेबर महंगी, 20-20 बंदे काम कर रहे हैं, उन सबका खर्चा डेली है खर्चा, हर चीज आप कैलकुलेट तो करो एक दफा, कोई कसूर नहीं है इसके अंदर, दुकानदार की बात है यार, जैसे आप लोग अवाम में 2 किलो लेने आता था वो 1 किलो या आधा किलो, बिल्कुल सही है भाई, मेरे घर का खुद एक बहुत दूध कम कर दिया, पहले 1.5 किलो लेके जाता था, 1.25 किलो लेके जाता हूँ, खुद परेशान है, हमारा हमारे साइड तो 3 किलो लेके जाते हैं, खुद 2.5 किलो लेके जाते हैं, सेठ लोग भी हर चीज को थोड़ा थोड़ा आवाम का अवॉइड करेगी ना, इस चीज को थोड़ा थोड़ा करेगी तो इंशाल्लाह खुद ही कीमतें कंट्रोल होंगी। जी बहन हर चीज महंगी है, आटा चीनी दालें, अब ये दूध की कीमतें जो है बहुत महंगाई है भाई, औरते रोड पे आगे कमाने के लिए हद हो गई है, कमाए पूरे पूरे घर वाले कमा रहे लेकिन पूरा नहीं हो रहा, बहुत परेशान है हर लोग, घर में लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, सैलाब आ गया और ज्यादा परेशानी हो गई है, और आवाम क्या करे, आवाम हुकूमत हमारी क्या करे, हुकूमत को करना चाहिए ना कि यहाँ पे देखेंगे आवाम जिंदगी, ख्याल करना चाहिए हुकूमत को कि लोग गरीब कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं कमाने वाले घर में, खाने वाले इतने सारे हैं, कमाई है नहीं है, महंगाई इतनी है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं घरों में, मर रहे हैं, यही हालत यही है बहन मेरी, सब यही बात कर रहे हैं कि हम मर जाएं क्या करें, अल्लाह माफ करे, हर बंदा यही बोल रहा है, हम खुद निकल घर से निकल कर मांगते हैं बच्चों को, बच्चे तो दूध मांगते हैं, बच्चों को नहीं बहला सकते, सही कह रही है बहन, सही कह रही है, स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह में मांगते हैं, आने के बाद आप भूखे रह सकती है, हम भूखे रह सकते हैं, बच्चे को थोड़ी भूखा रखेंगे जिस मजबूरी में दूध खरीद रहे हैं, नहीं दूध की क्वालिटी में भी तो इजाफा हो ना, दूध की क्वालिटी और खराब है, तो बात ही नहीं कर रहे, उसके तो वो बात ही नहीं कर रहे, बच्चे तो ख्वाब रह गए कि एक वो मलाई उतार के बच्चों को जो हम खाते थे ना वो एक ख्वाब रह गया, अब ये 200 रुपए दूध है, फिर बिजली के बिल है, खाने पीने की चीजें हैं, बिल चढ़ गए, लोग फिर बिल को एक तरफ कर देते हैं तो उस तरफ भी हमारी गर्दन पकड़ लेते हैं, सही खाने पीने का इंतजाम करें या बिलों को देखें, सही ठीक है जी, भाई बिल्कुल क्या करें, बच्चों को मार दें अपने आप,
को मार दे क्या करें, बेरोजगारी इतनी है, हस्बैंड का काम नहीं है, खाना भी जरूरी है, पेट तो मांगेगा ना, क्या करें, क्या चोरी करें, डकैती मारें, क्या करें, चोरी डकैती बढ़ रही है बिल्कुल, और देखें कितनी कितनी परेशानी हो रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि बेरोजगार हाथों में से रोड पे खड़े और महफूज नहीं है, पर छीन लेते हर चीज छीन लेते किलो दे रहा है या वहीं से आ रहा हूँ सर, गवर्नमेंट रेट है 120 रुपए दो, उसका लिस्ट नहीं लगाते हैं, कोई लिस्ट नहीं है, शॉपर बंद होता है, शॉपर में कोई आती है तो शॉपर का लगा देते हैं लिस्ट, और दूध का कोई नहीं लगाता, दूध का कोई नहीं पूछ रहा कि 200 रुपए किस तरह बिक रहा है, ये आटा 120 रुपए 110 रुपए महंगा, इतना सर बिक रहा, कोई बोलने वाला नहीं है, आवाम लगी पड़ी है, अभी सर तनख्वाही नहीं बढ़ रही, बेरोजगारी हुई, बेरोजगारी है, कंपनी ने पिछले 2 महीने से मुझे घर पे बैठा हुआ है, मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, सही है सर, अभी दिहाड़ीदार भी मिला, आप नौकरी पे नहीं है, बेरोजगारी भी है, तो यही बताना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं हुकूमत को, इंतजामिया को, ये बेरोजगारी भी है और जो दिहाड़ीदार तबका उसके भी आप सुन ली, 300 रुपये कमा रहे हैं दिहाड़ी पे, 600 रुपये कमा रहे हैं, उनके आने जाने में पूरा हो जाता है, बिल्कुल वो तो किराए में पूरा हो जाता है, हम यहाँ से 5 नंबर जाते हैं बैठ के, तो 30 रुपये किराया 40 रुपये किराया मुँह पाड़ के किराया मांगते हैं, हम करीब 30 रुपये मांग रहे हैं, एक स्टाफ के भी 30 रुपये मांग रहे हैं, दो वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिजली के बिल आ रहे हैं, वो बिजली के बिल अलग कितने भर भर के आ रहे हैं, हम कितने महीनों से हमने बिजली का बिल नहीं भरा, हम गरीब आदमी घर को बच्चों को चलाएं, एक बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके देने के लिए फीस तक नहीं है मेरे पास, यकीन करना, अल्लाह सर बेहतर करेगा, अल्लाह पाक सबकी परेशानी दूर करे, तो बस यही गुजारिश है आवाम की भी, हमारी भी यही गुजारिश है कि खुदारा इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस किया जाए, लिस्टें लगाई जाएँ, आवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि ये बेरोजगारी भी है, जैसे भाई 2 महीने से घर पे हैं, दिहाड़ीदार तबका 300 रुपये 600 रुपये कमा रहा है, उनसे नहीं हो पा रहा है, वो बहुत परेशान है, खुदारा बाहर आएँ और ये चेक एंड बैलेंस करें और आपको रिलीफ दें, इसी के साथ अपने दोस्त को ज़्यादा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।